हाय गाइस मैं हूं शिवांगी और आज मैं करने जा रही हूं काले पेपर पे चित्रकारी yes आज मैं ना काले रंग के पेपर पे करने वाली हूँ काफी अमेजिंग चीजें ट्राई मुझे नहीं पता अमेजिंग होगी कि नहीं बट आई नॉट गिव माई हंड्रेड परसेंट सो मैं रैंडमली अपने ऐसे ड्रॉर में कुछ, कुछ 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 देख रही थी एंड देन आई रियलाइज यार मैंने ब्लैक शीट्स को तो कभी यूज ही नहीं किया एंड ट्रस्ट मी वेन आई सी दिस आप लोगों को पता है क्या जब मैं छोटी थी तब मैंने ब्लैक शीट पे डेफिनेटली आर्ट ट्राई किया होगा बट आज जब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कितने साल हो चुके मैंने ब्लैक शीट पे ब्लैक पेपर पे कुछ किया ही नहीं इसी से मुझे आइडिया आया क्यों ना कुछ करते हैं यार so ये रहा हमारा काले रंग का पेपर एंड इसी के साथ साथ बाकी बची कुची सामग्री मैंने व्हाइट पेन उठा लिया है मैंने अपना व्हाइट लाइनर उठा लिया हाँ, ये लाइनर है गॉड oh चुनागी अब देखते हैं यार क्या हो सकता है क्या नहीं बट अब मैंने अपना एक्रेलिक कलर भी उठा लिया है फिर दीदी ने जो बहुत साल पहले मुझे कलर्स भेजे थे मैंने वो भी उठा लिए मेरे वाटर कलर्स भी उठा लिए एंड हमारे पास आ चुकी है ऑलमोस्ट सारी सामग्री और अब इसी को यूज करके देखते हैं यार क्या होता है तो सबसे पहले मैं ब्लैक शीट को दो हाफ्स में डिवाइड कर रही हूँ जिससे कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी अपने आर्ट पीसेस को कंप्लीट कर पाए जितना बड़ा पेपर होता है उतना टाइम लगता है तो so यार yes, थोड़ी चला बनती है ना। सच बताओ ओके okay गाइस अब मैं फर्स्ट वाले पे रफ स्केच करना स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों को पता है बिना रफ स्केच के मेरा दिमाग नहीं चल सकता तो बस मैं फटाफट अपनी बेसिक सी पेंसिल से रफ स्केच बनाना स्टार्ट कर दूंगी यहाँ पे ना मैं बना रही हूं प्लैनेट्स एंड पता नहीं क्यों ब्लैक से तो ऑफ कोर्स हम लोग को एक ही चीज आती है स्पेस यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ दैट सो मैंने सोचा वही करते हैं देखो मैंने व्हाइट ड्राई पेस्टल को यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया दी है धीरे धीरे देखते जाओ यार धमाका होता चला जाएगा बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती मैं भी नहीं अच्छी लगती बट धीरे धीरे जब हम उस चीज पे काम करते हैं तब जाके वो चीज अच्छी लगती है, तो मैं ढेर सारी डिटेल्स आप लोगों को पता है ऐड करने वाली क्योंकि बिना डिटेल्स के मेरी जिंदगी में सांस नहीं आती ऑक्सीजन तो खत्म हो जाता है एकदम बकवास हो गई तो so, यस yes, मैंने एक प्लानेट को कंप्लीट कर लिया है दूसरे को भी कर लिया है एंड मैं ब्रश की हेल्प से इन सारी चीजों को आपस में रही हूँ एंड दिस इज लुकिंग थोड़ा बेटर सही में अब देखो मर्ज मर्ज करने के बाद हम फाइनली स्टार्ट कर देंगे अपने एक्रैलिक कलर्स को यूज करना है एक कलर्स नहीं यार एक ही कलर को यूज करेंगे विच इज वाइट कलर यार क्योंकि मुझे ना इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही करना है एंड मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट चीज कब बनाई होगी तो so, यस yes, यहाँ पे मैं एक कलर की हेल्प से फटाक से बैकग्राउंड पे कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं वैसे गैलेक्सी टाइप इफेक्ट देने के लिए वो क्लाउडी क्लाउडी स्मोकी स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ हेल्प ऑफ एक्रेलिक कलर ऑफकोर्स एंड मैं पानी को बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज कर रही हूँ मर्ज करने के लिए मैं अपनी हर वीडियो में मुझे बोलती रहती हूं, मुझे है मुझे रंगों से प्यार है मुझे रंगों से प्यार है मुझे रंगों से प्यार है बट आज मैं एक भी रंग को इस्तेमाल नहीं कर रही करी हूं, मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पे, पे, पे सिर्फ व्हाइट कलर को ही यूज तो करीफकोर्स मुझे लगता है धरती का ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए बिकॉज मुझे कलर्स कितने ज्यादा पसंद है आप लोग को पता है मतलब मैं बेरंग वाली चीजें इतनी पसंद नहीं करती हूँ इनफैक्ट पेंट करना तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ दिस इज गोना बी द वेरी फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ व्हाइट कलर को यूज करके ही पेंट कर रही हूँ क्या बात है यार तो अगर आपको अभी तक का प्रोसेस सही लग रहा है कमेंट करके मुझे बता इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है मैं खुद भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी बट देखो यार जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है यहाँ पे मैं पा रही हूँ एक बढ़िया सी पेंटिंग एंड खो रही हूँ बहुत सारा टाइम वाह 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 क्या दिमाग लगाया शिवांगी देखो मैं अपने व्हाइट लाइनों को भी यूज करना से स्टार्ट एंड इसने बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं किया बट ठीक है यार जो है जैसा है आई एम फाइन विद इट

स्केच रफ स्केच रफ स्केच रफ स्केच रफ स्केच और यही बोल बोल के मैंने रफ स्केच भी कर लिया एंड ऑलरेडी अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे मैं यूज कर रही एक्रेलिक दैट इज बिकॉज यार अगर मैं वॉटर कलर यूज करूंगी तो यहाँ पे चलेंगे ही नहीं एंड बहुत लाइट लगेंगे एंड मैं चाहती हूँ अब इतना फर्स्ट वाला इतना काला और सफेद वाला था ये क्यों ना भड़कीले रंगों के साथ किया जाए बिकॉज यू यूज नो हाउ मच आई लव कलर्स जो कि मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती रहती हूँ सो यस रेड एंड व्हाइट को फट से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ दो सुनहरे फूल वाओ शिवा देखो फ्लावर्स मुझे पहनना भी पसंद है आई I मीन mean, मुझे फ्लोरल डिजाइन के पैटर्न पहनना भी पसंद है बनाना भी पसंद है बट मुझे किसी को फ्लावर्स गिफ्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद Because मुझे ऐसा लगता है जब हम बुके देते हैं तो एक दो दिन में फ्लावर्स पूरे मुरझा जाते हैं उन्हें फेंकते हुए इतना दुख होता है ना कि मैं बता नहीं सकती उससे बेटर है प्लांट गिफ्ट कर दो यार अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कॉमेंट करके जरूर बताना इनफैक्ट अगर मुझे फ्लावर्स गिफ्ट भी करता ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि फेंकते हुए गंदा लगता है यार एनी वे यार अभी उस दुख के पार्ट पे नहीं जाता है यहाँ पे मैं हाईलाइट शो कर रही हूँ व्हाइट कलर को करके, एंड मैं सच बता रही हूँ मैंने खुद नहीं सोचा था कि दो टाइप की ब्रशेस को यूज करके ही हम इतना कुछ बना सकते हैं स्पेशली फ्लोरल पैटर्न को लेके एंड yes, इसी चीज को तो देखो मैं भर भर के भरने वाली हूँ <laughs> पता नहीं मैं क्या बोलती मुझे भी नहीं पता yes, बट यस मैं व्हाइट कलर की भी फ्लास्ट थोड़े ऐड करी बिकॉज व्हाइट एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ना हर चीज बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करती है बट व्हाइट कलर तो मतलब आप सोच ही लो कि एकदम ही ऑपोजिट है तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है तो so यस yes, यही सारे फूल वूल भरने के बाद मैं थोड़ी और डिटेल्स एड करूंगी बिकॉज कम ऑन यार शिवांगी को आप डिटेल्स से नहीं दूर रख सकते हो बिल्कुल सही देखो यार एम श्योर sure आप लोग जब भी मुझे पेंट करते हुए देखते हो या कुछ भी करते हुए देखते हो आपको लगता होगा यार हाँ इनके लिए तो आसान है बट किसी के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड लिटरली मुझे ऐसा लगता है जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरे स्किल्स कुछ और थे बट आई 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 थिंक डेवलप्ड अ लॉट विद टाइम दैट इज बिकॉज प्रैक्टिस ऑन अ वीकली बेसिस मतलब जो भी मैं आपको आर्ट पीसिस हर हफ्ते दिखाती हूँ उससे मेरी प्रैक्टिस ही तो हो रही है ना अल्टीमेटली so, मैं भी आपको बोलूंगी सजेस्ट करूंगी की अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो प्लीज प्रैक्टिस किया करो अगर आपके पास रोज टाइम

टाइम हो चुका मैंने गया नहीं बाप द बिल्ड करके दिखाएंगे बाप द बिल्ड हाँ भाई हाँ। तो देखो यार टीनी टूनू पानी पीनी डिटेल्स याद करने के बाद दिस इज वॉट आर

आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी इफ यू लाइक प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना कमेंट करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना थैंक यू सो मच आप जितना भी प्यार देते हो उस चैनल को इट रियली मीन्स अलॉट टू मी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे आ पाऊंगी अपने आर्ट लव के साथ जिंदगी में क्योंकि मैंने आर्ट तो क्लास में ही छोड़ दिया था लिटरली एंड कभी मौका ही नहीं मिला उसके बाद उसे कंटिन्यू करने का बट ऑल थैंक्स टू यू गाइज आप लोगों ने मेरी इस हॉबी को इस पैशन को एक नई ऊंचाइयों पे लेके चले गए मतलब उचाइया नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या वो कुछ बटी सीरियसली लेने लग गई और भी ज्यादा सो थैंक यू सो मच आई लव यू गाइज वेरी मच